नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जलेबी में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मछली का तेल, जी हां, मछली तो हम सभी ने खाई होगी, लेकिन मछली का तेल के क्या फ़ायदे हैं आज ये जान लेते हैं। दोस्तों, मछली के तेल का सबसे पहला फ़ायदा है आपके बालों के लिए। जी हाँ, बहुत सारे लोग मछली खाते नहीं हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं, यदि आप मछली नहीं खाते हैं तो यकीन मानिए आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी की कैसे पूर्ति होगी। तो उसको पूरा करने का तरीका यही है कि आप या तो मछली का तेल लें या फिर मछली खाएं। सिंपल सी बात है। तो आप मछली तो खा नहीं सकते, तो ऐसे में आपको मछली का तेल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। मछली का तेल लीजिए दोस्तों, और इसको अपने बालों में रात में सोने के पूर्व हल्के हल्के हाथों से अपनी उंगलियों के आगे वाले भाग से मसाज करिए। और मसाज करेंगे लगातार 3 से 4 महीने करिए। देखिए दोस्तों, आपके बालों में गजब का कालापन आएगा, बाल आपके मोटे होने लगेंगे, जो भूरे भूरे बाल हैं वो आपके सुंदर हो जाएंगे। दोस्तों, मछली का तेल बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों बालों के लिए। दूसरा फ़ायदा दोस्तों मछली के तेल का है स्किन के लिए। जी हाँ दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच होने के कारण मछली का तेल स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। किसी भी स्किन, यदि रैशेस आ गए हैं उस पर या फिर उस पर रिंकल्स आने लगे हैं, छोटे छोटे दाने हो गए हैं ठंड के कारण, गर्मी के कारण किसी तरह की स्किन में दाग धब्बे आ गए हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए मछली के तेल का हल्के हल्के हाथों से रात में सोने के पूर्व मसाज करिए। फिर देखिए दोस्तों आपको कितना गजब का फ़ायदा होता है। तीसरा फ़ायदा दोस्तों आँखों के लिए है। जी हाँ, यदि आपकी आँखें स्वस्थ नहीं हैं और आपको लगता है कि समस्या है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा मछली का तेल लेकर उसको अपने हाथों पे मल के आँखों पे हल्के हल्के मसाज करें, और देखिए आपकी आँखें कितनी स्वस्थ रहेंगी, वहाँ की स्किन कितनी जानदार हो जाएगी। दोस्तों, तो देखा दोस्तों आपने मछली के तेल के कितने बेमिसाल फ़ायदे हैं। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लिंक में हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं, या फिर आप किसी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से इसे ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बहुत से लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लाभान्वित हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।